नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा में बेहद ही अच्छी बॉन्डिंग है। एक टाइम था जब एक्ट्रेसेस में बिल्कुल भी पटरी नहीं खाती थी, लेकिन अब टाइम बदल रहा है। अब बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के बीच बेहद ही गहरी दोस्ती देखने को मिल जाती है। अब कटरीना और अनुष्का को ही देख लीजिए, वो हसीनाएं एक दूसरे की बेहद ही पक्की दोस्त है। वहीं अब इन दोनों को लेकर एक किस्सा इन दोनों काफी चर्चाओं में आया हुआ, जिसे जानकर इनके फैंस भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि एक बार फिर कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने अपने पड़ोसी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को डिनर पर इनवाइट किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनुष्का ने डिनर पर उनके घर जाने के लिए एक बड़ी शर्त रख दी। अब आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर अनुष्का ने ऐसी भी क्या शर्त रख दी। तो चलिए आपको बता दें कि आखिर पूरा माजरा है क्या। दरअसल हाल ही में एक लीडिंग वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में अनुष्का ने अपनी लाइफस्टाइल का खुलासा करते हुए कहा कि कटरीना और विक्की ने हमें अपने घर इनवाइट किया, लेकिन हम शाम 6 बजे ही अपना डिनर कर लेते हैं और रात 9:30 बजे सो जाते हैं। मैंने कटरीना से कहा कि हम तुम्हारे लिए 7 से 7:30 के बीच डिनर करेंगे और हमें जल्दी जाना होगा। कटरीना ने तब मजाक में कहा था कि वो स्नैक्स खा लेंगे, जबकि तुम और विराट डिनर कर लेना। अनुष्का शर्मा ने आगे बताया कि मैं स्वभाव से अंतर्मुखी हूँ और पार्टी इवेंट से दूर रहना पसंद करती हूँ। कटरीना की तरह शाहरुख खान भी मेरी आदत से परिचित है, इसीलिए वो मुझे अब अपनी पार्टियों में नहीं बुलाते। बता दें कि अनुष्का शर्मा काफी टाइम से बड़े पर्दे से दूर हैं। वो आखिरी बार फिल्म जीरो में नजर आई थी। इस फिल्म के बाद से ही उन्होंने किसी फिल्म में काम नहीं किया, लेकिन एक्ट्रेस जल्द ही चक द एक्सप्रेस में नजर आएंगी। फिल्म में वो क्रिकेटर झूलन गोस्वामी का रोल निभाती दिखाई देंगी। अनुष्का शर्मा की ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। अनुष्का ने इस फिल्म के लिए खूब मेहनत की। बात करें कटरीना कैफ की, तो वो जल्द ही सलमान खान के साथ फिल्म टाइगर 3 में नजर आएंगी। इस फिल्म में जमकर एक्शन करती वो दिखाई देंगी। इस फिल्म के अलावा कटरीना कैफ साउथ एक्टर विजय सेतुपति के साथ फिल्म मेरी क्रिसमस में अहम रोल में नजर आएंगी। बात करें अनुष्का और कटरीना की, तो दोनों साथ में जब तक है जान नाम की फिल्म में काम कर चुके हैं। इसके अलावा दोनों फिल्म जीरो में भी दिखाई दे चुके हैं। वैसे अनुष्का के इस खुलासे पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।